दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज आपके साथ घटित हो रही है वो पहले भी घटित हो चुकी है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार, पहले भी हम इस जगह पर आ चुके हैं। या जब हम किसी या अपने दोस्तों के साथ जब हम किसी जगह पर डिनर कर रहे होते हैं किसी होटल में, तो हमारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त क्रिकेट की बात करने लगता है तो हमारे मन में ऐसा आता है कि अरे यार, पहले भी हम लोग इसी तरह इस होटल में बैठकर, इस जगह पर बैठकर और क्रिकेट की बातें कर चुके हैं डिनर के साथ। ऐसा महसूस जरूर आपके साथ हुआ होगा। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि यह जो घटना होती है हमारे साथ, या पुराने या पिछले जन्मों का ये यादें हैं, या कुछ लोग भूत प्रेत से भी जोड़ते हैं कि अरे यार, ये तो इसे भूत पकड़ लिया है, कह रहा है कि अभी घटना, या कुछ लोग समझते हैं कि मुझे भूत पकड़ लिया क्या, कि ऑलरेडी मुझे ये घटना पहले से घटित तो महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अंधविश्वास में ना पड़े, आप साइंस के नजरिए से समझे। मैं आपको बताऊंगा साइंस के नजरिए से इसका मतलब क्या होता है। साइंस के नजरिए से इसे डेजा वू के नाम से जाना जाता है। डेजा वू का मतलब होता है कि पहले से देखा हुआ, इसका ये अर्थ होता है। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितने उम्र के लोगों में ये घटनाएं घटित होती हैं। वैसे तो 9 साल से कम उम्र के बच्चों में ये घटनाएं घटित नहीं होती, उससे अधिक उम्र के लोगों में ये घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन ज़्यादातर साइंस के नज़रिए से माना जाता है कि 15 से 25 साल की उम्र के बीच के लोगों में ये घटनाएं ज़्यादातर घटित होती हैं। और ये घटना मेरे साथ भी घटित होती है। हम भी कभी किसी नई जगह पर जाते हैं तो महसूस होता है यार, पहले तो हम इस जगह पर आ चुके हैं, ऐसे ही लोगों से बातें कर चुके हैं। तो अब हम आपको बताएंगे साइंस के नज़रिए से। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसे स्कैन करता है, उन चीज़ों को स्कैन करता है। और यह स्कैन करने की जो प्रक्रिया है यह एक जटिल प्रक्रिया है। और ज़्यादातर जो है कि यह डेजा वू है, ज़्यादातर मिर्गी के रोगियों में यह ज़्यादा घटित होता है। उसे नॉर्मल लोगों में भी होता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आप स्वस्थ हैं, तो ये हो सकता है। जब डेजा वू जब होता है हमारे दिमाग में, तो यह हमारे दिमाग में पुरानी यादों का नतीजा होता है। जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं या किसी जगह पे हम रहते हैं तो आसपास जो भी घटनाएं घट रही होती हैं तो उनको हमारा दिमाग स्कैन करता है और पुरानी यादों से मैच करता है। सपोज डेट, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर रसगुल्ले के बारे में, तो तुरंत आपके दिमाग में यह बात आएगी, रसगुल्ला, और आपका ब्रेन स्कैन करेगा, अरे यार, रसगुल्ला कितने दिन पहले मैंने खाया था, तो 4 दिन पहले खाया था और इस जगह पे खाया था। पुरानी यादों को भी जो है कि आपका दिमाग स्कैन कर रहा है, नई पुरानी यादों को स्कैन यानी कि समझता रहता है, दोनों के बीच में उलझा रहता है। तो उन्हें सब पुरानी चीज़ों के अनुरूप यादें हमारे दिमाग में प्रकाशित होती रहती हैं। यानी कि अभी मैंने बताया रसगुल्ला के बारे में, तो आपका जो दिमाग है वह पुरानी समय, जब भी आपने पिछले दिनों रसगुल्ला खाया है तो आपका दिमाग उसे याद करेगा कि कब कब आपने रसगुल्ला खाया है। या अपने दोस्तों के साथ जब आप डिनर कर रहे हैं तो मैस की बात किसी आपके दोस्त ने कर दी, तो आपका दिमाग पुराने मैस के पिछले जो भी यादें हैं और दोस्तों के साथ आपने बातें की हैं उनको प्रकाशित करेगा और उन पिछली यादों को वर्तमान से जुड़ने लगता है। यानी कि ऐसा होता है कि पिछली जो यादें हैं वो वर्तमान से जुड़ी हुई हैं, ऐसा आपका दिमाग में ऐसे होने लगता है। यानी कि ये आपके दिमाग का मिस्टेक होता है, दिमाग की गलती होती है कि पुरानी यादों को वो प्रेजेंट से जोड़ लेता है। यानी कि यह आपके यानी कि साइकोलॉजिकल ये प्रोसेस आपके ब्रेन का हो सकता है। तो आप इसे किसी पिछले जन्म से ना जोड़ें या किसी से भूत प्रेत से ना जोड़ें। यह घटना किसी के भी साथ से, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। आई होप आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। अगर यह जानकारी आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नो भी लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर आप यस या नो का जवाब जरूर दें।
ऐसे ही जानकारी संबंधी वीडियो को पढ़ने के लिए या देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।